हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को इस बुश के बारे में बताने वाले हैं। देख सकते हैं, हमने खुद से जुगाड़ लगा के इसको बनाया है, आप देख पा रहे होंगे। इस बुश को दोस्तों हमने कैसे बनाया है ये चीज़ भी बताएंगे। साथ ही कई लोग क्या करते हैं कि ये पंखी आप देख पा रहे होंगे, ये पंखी, ये जो हमने बेल्ट का बनाया है, अपना जो बेल्ट होता है, जो पट्टा जो चलता है उसका बनाया है। कई लोग क्या करते हैं कि सिंगल बनाते हैं, सिंगल यहीं पर इसको जॉइंट कर देते हैं, और ये देखिए हमारा डबल लगा हुआ है, उसका सिंगल रहता है। दोस्तों, सिंगल रहने से काफ़ी सारा नुकसान होता है। ये क्या है कि ऐसे ऐसे मुड़ जाता है, जब चलता है ना तो ये पूरा मुड़ जाता है, जिसके कारण हमारा जो हवा है वो सही से नहीं बन पाती है, और हमारा आटा जो है वो गर्म निकलने लगता है। और साथ ही ये जो हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा देख पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो कारण यही होता है दोस्तों कि इसको जो सिंगल बनाते हैं लोग, जिसके कारण क्या होता है कि ये हवा सही से नहीं बन पाता है, ये चलते वक्त मुड़ जाता है। तो हमने क्या किया है, देख सकते हैं आप, डबल बनाया है हमने इसको। यहाँ पर एगो नट लगाया है, देखिए एक यहाँ पर नट लगाया है, और इसको टाइट कर दिया वापस में ताकि और भी मजबूत रहे, देख पा रहे होंगे दोस्तों। और ये देखिए ज़्यादा जल्दी मुड़ता नहीं है, देखिए आपको दिख रहा होगा, सब आटा जो है फटाफट फेंक देता है। तो आप इसी तरह से अपना जो है ये जो पीछे का पंखी बनाया जाता है, आप इसी प्रकार बनाइए मजबूती से, ताकि आपका जो है वो सही से चल पाएगा, हवा बन पाएगा। कई लोग लोहे का यूज करते हैं, तो लोहे का भी यूज किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन वो उतना सॉलिड नहीं होता है। ये पंखी वाला काफ़ी अच्छा होता है, स्मूथ होता है, चारों क्या है कि अपने लोहा में भी टच होगा, मतलब चक्की के अंदर भी टच होगा, तो ये सारा जो है पूरा सिकोड़ के सारा आटा को निकाल देता है। तो ये पट्टा वाला लगा सकते हो, अन्यथा आप लोहा वाला चाहो तो लोहा वाला भी लगा सकते हो, लेकिन उससे बढ़िया रिस्पॉन्स जो है अपना इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये हो गई अपना पंखी का बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना ये बुश, ये बुश को देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये जो बुश है, हमने ये बेलना होता है ना दोस्तों, बेलना, ये बेलना का साइज हमने यहाँ पे कट कर दिया है ऐसे करके, इसका नहीं, दूसरे था जो हमारा ऐसे सापट घिस गया था, पहले वाला बहुत ज़्यादा पुराना था, वो घिस गया था, तो उसको हमने जब रख दिया है तो वही को काट दिए इतना सा, और इसको ये बुश को डिजाइन किए हैं, देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको वेल्डिंग कर दिए हैं, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे जो है वो वेल्डिंग कर दिए हैं। अब वेल्डिंग करके हमने क्या किया दोस्तों, वो वही है जैसा था, रहता है हमारा वैसा ही है। तो इसके अंदर जो छेदा होता है, इसके अंदर वो ये जो बुश जो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं इसमें, वो बुश है जो इसमें आके घुस गया है इसमें, और ये टाइट से हमने ठोक दिया है इसको। कभी जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ छेनी मारेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ कट है, कट का निशान, यहाँ पे मारेंगे तो ये निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो ये हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है, अगर आप चाहते हो तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। दोस्तों, इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इससे होता क्या है, आखिर इसमें होता क्या है, देखिए हम लोग को कई बार क्या होता है कि जब ये पूरा घिसने लगता है, आप देख पा रहे होंगे ये पत्थर जब घिसने लगता है हमारा, ये पत्थर जब घिसने लगता है तो क्या होता है कि हमारा जो ये पत्थर जो है वो ज़्यादा सट जाता है, यानी कि हमारा जो ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो पूरा भिड़ जाता है यहाँ तक। तो हमें कई कई बार क्या होता है कि इस पत्थर को घसकाना पड़ता है, जैसा आप आटा चक्की चला रहे होगे तो आपको पता होगा, इसको फिर घसका के इसको आगे की ओर करना पड़ता है, जिससे क्या होती है हमारी सेटिंग जो है वो गड़बड़ा जाती है, यानी कि फिर से हमारे जो सेटिंग्स है वो फिर से करना पड़ता है। बालू या रेत कोई केमिकल के द्वारा भी करते हैं तो उससे फिर से मिलाया जाता है और फिर से सेटिंग करते हैं, क्योंकि पिसाई तो आपको सही से नहीं दे पाएगा। जब ये घसक जाता है तो इधर उधर बेलना में क्या होता है पता नहीं, उसका सेटिंग जो है वो अलग हो जाता है, जिसके कारण पिसाई जो है आपको सही से नहीं दे पाएगा। तो इस टाइम हमें डिस्टर्ब यही देखने को मिलता है जब हम इसको घसकाते हैं। लेकिन वही अगर ये बुश बना लेते हो आप एक बार, ये तो रेडीमेड भी मिलता है, तो आप रेडीमेड आपके यहाँ अगर मिलता है तो आप ले लीजिए, बेशक ले लीजिए, आपको बहुत सारा राहत मिलेगा। और नहीं मिलता है तो अपना पुराना वाला बेलना है तो इसको यहाँ तक काट सकते हो, जितना आप हमने देख पा रहे होंगे ये ज़्यादा नहीं 2 इंची का है, फिर 2 इंची के बाद हमने इसको जो है वो वेल्डिंग करवाया है, तो आप 2 ही इंची रखें, ये इसका गड्ढा जो है यहाँ तक है कम से कम,
तो ये जो है इसमें फिट हो गया है, इसमें फिट हो गया है, तो इतना ही हमें आवश्यकता पड़ता है। तो इतना ही आप काटें, बेलना को इतना काट लें और वहाँ जाके वेल्डिंग करवा दें कोई वेल्डर फिटर से, और अपना ये जो है बूश बना सकते हो, ताकि आपकी जो है इसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका सेटिंग जो है वो प्रॉपर बना रहेगा, आप पिसाई पूरा इजीली तरीके से कर पाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, हमने ये बूश लगाया तो हमें लग रहा था कि कोई दिक्कत भी होगी, जिस तरह से हमने बताया आपको कि इसको घसका के आगे की ओर करना पड़ता है जब ये खिया जाता है। देख सकते हो आप हमारा कितना बचा हुआ है, अभी आधा इंची करीबन चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा पूरा पत्थर। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है ना कि हमें सेटिंग गड़बड़ा जाती है, तो हमको भी लगा कि ये लगा रहे हैं नया नया, तो हो सकता है इसका भी सेटिंग शो है, करना पड़ेगा लगता है। फिर सोचा चलो देखते हैं, करके लगा लेते हैं, लेकिन वैसा कोई हमको दिक्कत देखने को नहीं मिला। सो अगर आप चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, आपको काफ़ी सारे राहत मिलेगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल पे बने रहें, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आपके मन में कोई तरह का अगर प्रश्न हो तो हमें कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।